हेलो किड्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मै ब्रेन दिस इज मी शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था मैं अगर आपको एक क्विक रिविजन दूँ तो आपको और ज्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली वो दो, दो टाइप का होता है एक होता है फेजिक रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है पीनोसाइटिक अगर वायरस सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट सेल के अंदर भेजे तो इट इज कॉल्ड एज फेजिक रिप्रोडक्टिव फेज अगर वायरस अपना पूरा पूरा बॉडी किसी के अंदर भेज दे तो इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ कॉल्ड एज पिनोसाइटिक रिप्रोडक्टिव फेज जैसे एच वगैरह हो गए हेपेटाइटिस हो गए हरपीज हो गए ये पूरी पूरी बॉडी भेजते हैं अपने होस्ट सेल uh, के अंदर जबकि फेजिक में क्या होता है फेजिक में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल आता है ठीक है फेजिक कौन सा होता है फेजिक होता है टी फोर का एग्जाम्पल टी फोर जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अब फेजिक के अंदर भी दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइटिक फेज और एक होती है लाइसोजेनिक फेज ठीक है जब हम आ, जब वायरस किसी होस्ट सेल को फाड़ कर बाहर आता है तो ये होता है लाइटिक फेज जब वायरस का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के अंदर घुसकर तो घुस जाता है और फिर जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट होता है वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होता है ठीक है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वायरस पूरा होस्ट मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने सिम्टम दिखाना शुरू करता है ठीक है सो दिस इज द लाइसोजेनिक साइकिल जिसमें वो होस्ट सेल को फाड़ता नहीं है लाइटी साइकिल में होस्ट सेल को फाड़ देता है फिर मैंने आपको ये चीज बताई फिर मैंने आपको बैक्टीरियो फाज का स्ट्रक्चर बताया फिर मैंने आपको टोबैको मोजेक मारस वायरस का स्ट्रक्चर बताया ठीक है फिर मैंने आपको कैटेगरीज बताई ठीक है ये तो मैंने पहले बता दिया था तो कुल मिला मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई थी आई होप कि मैं ये उम्मीद कर रही हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आज आपको क्या पढ़ना है आज आपको पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस uh, uh, जिसके थ्रू हमें एक बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फ्लुएंजा वायरस से हमको फ्लू होता है देर आर सो मेनी वायरसेस जो कि फ्लू करते हैं जैसे एच वन एन वन फ्लू स्वाइन फ्लू तो ये सब क्या होते हैं फ्लू वायरसेस होते हैं देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फ्लू वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से ठीक है देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ़ दूसरे राइट स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो है ये जोस्टर वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे आप कहते हैं ठीक है उसके बाद मम्स जो है ये पैरामिक्सो वेडी फैमिली पैरामिकायर से होता है मम्स अगर आप देखें तो यहां पर फूल जाता है मम्स इज द इंफेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ योर बॉडी तो वॉट इज द मम्स मम्स वो बीमारी है जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड में होती है है जो कि वायरस की वजह से पा होती है नाउ एड्स बड़ी ही कॉमन बड़ी ही इंटरेस्टिंग बीमारी है अब जिसको हो जाए तो फिर ये कभी ठीक नहीं होती है रेटे वायरस की वजह से होती है वाईट इज कॉल्ड एज रेटे वायरस मी टेल यू रेट्रोवायरस कहने का सिर्फ इसका एकमात्र कारण ये है बेटा कि ये एक्चुअली अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेती है बेसिकली <coughs> इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसका फेस हमेशा चेंज करती रहती है नेक्स्ट इज पोलियोमलाइटिस पोलियोमलाइटिस जो है ये पोलियोविरिडी फैमिली या पॉक्स पोलियोविरिडी फैमिली वजह से होता है पोलियोमेलाइटिस चार जिंदगी की ये इसी वायरस के लिए दी जाती है जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स ये इसे आप रुबेला वायरस भी कहते हैं इसमें बॉडी में, में रैश वगैरह हो जाते हैं लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं मीजल्स मीजल्स में आपको कफ कोल्ड फीवर और चकत्ते पड़ सकते हैं ये होता है मीजल्स सो दे दीज आर डिजीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट विच आर द वायरसेस ठीक है नाउ नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे डिजीजेस की जो कि पौधों में होती है और वायरसेस की वजह से होती है सबसे पहले टोबैको मोजा एक वायरस टीएमवी वायरस की वजह से होता है टोबैको मोजे कुकुम्बर मोजे कुकम्बर वायरस की वजह से होता है पोटैटो लीफ रोल पोटैटो लीफ रोल वायरस की वजह से होता है बंची टॉप ऑफ पपाया तो इसमें बंची मतलब ऊपर गुच्छे जैसा बन जाता है वो होता है बंची टॉप ऑफ वायरसेस ठीक है सो दीज आर समी डिजीज एंड एजेंट पॉजिटिव आर द वायरसेस ठीक है नाउ नोट में यह लिखा है इन प्लांट्स द वायरल सिम्टम कैन बी मोजैक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग करलिंग तो अगर आप बात करें कि वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो पौधा कैसा दिखेगा पौधा जो है ये इसमें गुच्छे आपको दिखाई देते हैं आपकी लीफ मुड़ने लगेंगी लीफ में करलिंग दिखाई देगी पौधा छोटा दिखाई देगा पत्ते येल्लो दिखाई देंगे सो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स जो कि वायरल के पैथोजन के एंट्री की वजह से

जब कभी आपकी किसी सेल में वायरस की एंट्री हो जाती है तो वायरस की एंट्री होने की वजह से वो सेल कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स निकालती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन फिर से बोलू क्या तो आपके बॉडी में जब कि भी किसी भी प्रकार का वायरल इंफेक्शन हो जाता है या जब आपकी बॉडी की सेल में वायरस घुस जाता है तो ये इंफेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन निकालती है जिसे हम इंटरफेरॉन्स के नाम से जानते हैं ऐसा नॉर्मल सेल नहीं निकालेगी कौन सी सेल निकालेगी वही सेल निकालेगी जिसे वायरस का इंफेक्शन हुआ है ठीक है अब ये करेगी क्या एक्चुअली ये एंटीवायरल एजेंट्स हैं ये क्या है एंटीवायरल एजेंट्स हैं जो नॉर्मल सेल आपके चारों तरफ घूम रही हैं या नॉर्मल सेल जो इंफेक्टेड सेल के चारों तरफ घूम रही हैं उसे बचाने का काम करती है मेरी बात समझे आप जैसे मैं हूं अब मुझे सपोज दैट कि मुझे मेरे घर में एक चोर घुसा ठीक है मेरी बात को ध्यान से समझना ठीक है अब चोर घुसा तो उसने चोर ने क्या किया कि मेरा मुंह दबा लिया ठीक है ऐसा भगवान करे ना हो पर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे मुंह दबा लिया अब मैं अपने घर वालों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे सिग्नल दूंगी ना ताकि वो सब बच जाए भाई आप सब भी यही करोगे मैं भी यही करूंगी अब अगर मैं ऐसे सिग्नल कैसे दूंगी अपने पैर पटकूंगी अपने हाथ पटकूंगी जिससे सामने वाले मेरे जो घर वाले हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ है और वो वहां से भाग जाएंगे हालांकि कोई घर वाला भागता नहीं है पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स ठीक है अब क्या हुआ मुझे तो चोर ने पकड़ ही लिया है ना अब मैं तो अपना बचाव नहीं कर सकती तो मैं कुछ तो ऐसी चीजें निकाल सकती हूँ ना जिसकी वजह से लोगों को प्रोटेक्शन मिले सो दीज आर द इंटरफेर इंटरफेर रिलीज बाय द वायरल इंफेक्टेड सेल्स विच प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल्स ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द वायरस ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं है तो फिर मैडम हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है इस सवाल का जवाब जो है मुझे पता है ठीक है कभी मैं भी उसी जगह पर बैठी थी, थी जहां आज तुम बैठ तो मैडम फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि एचआईवी का कोई इलाज नहीं है फिर मैडम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एचआईवी अगर एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता फिर मैडम ऐसा अगर ये इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब ये कि कभी भी शरीर की सेल्स में एचआईवी घुसेगा तो वो भी इंटरफेरॉन निकालेंगी और बाकी सेल उसे प्रोटेक्ट रहेंगी तो सुनो ठहरो रुको मैं क्या बोल रही हूं ध्यान समझना एच जो है ना ये अपने आप में बहुत ही शाणा वायरस है बहुत शाणा है ठीक है ये क्या करता है तुम्हारे सेल्स के अंदर घुस जाता है ठीक है ये क्या करता है तुम्हारी सेल्स के अंदर घुस जाएगा और फिर तुम्हारी सेल को पूरा पूरा नॉर्मल कर दे कर देगा समझे बात को मेरी बात को ध्यान समझना अब तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा अब वो चोर विलम के नीचे घुस जाए अब तुम्हारे घर पर तुम्हें पता चल रहा है कि वो चोर घुसा है क्या नहीं तो तुमको सिग्नल दे पा रहे हो क्या नहीं पर धीरे धीरे वो रात में उठता है और पूरा सामान चुरा चुरा के पार करता जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घर का सामान जा कर रहा है पर इससे तुम्हारे घर का सामान भी कम हो रहा है चोर का भी पता नहीं चल रहा है सेम लाइक द एच आई वी एच आई वी क्या करता है कि तुम्हारे सेल्स के अंदर घुस जाता है बॉडी सेल्स को नॉर्मल कर देता है सेल्स को पता ही नहीं चल रहा है या बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ अंदर घुसा हुआ है जब सेल्स को पता ही नहीं चल रहा है बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है, तो इंटरफेरॉन कौन बनाएगा ऐसे भी तो बनाती है तो इसलिए कभी समझ में ही नहीं आता इसलिए वो इंटरफेरॉन बनाते ही नहीं है इसलिए एच बहुत सालों के बाद बॉडी में पता चलता है कि एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं चलता वो सेल के अंदर घुस के सेल को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है ठीक है तो जिससे बिल्कुल सेल नॉर्मल दिखाई देती है और सेल नॉर्मल दिखाई देती है और कोई भी डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव नहीं होता कोई डब्ल्यू भी नहीं मारती उन सेल्स को क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी सेल अगर इन्फेक्ट है तो नॉर्मल डब्ल्यू उसे खा जाती हैं अब कोई सेल नॉर्मल है लग ही नहीं रहा उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है तो डब्ल्यूबीसी भी उन्हें नहीं मारती इस तरीके से एच आई वी का नंबर आपके बॉडी सेल्स में बढ़ता जाता है ठीक है सो दीज आर द इंटरफेरॉन्स ये है ह्यूमन ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन सो इंटरफेर इंटरफेर प्रेजेंट इन टू द ग्लास बॉटल ठीक है नाउ मी टॉक अबाउट ठीक है सम वायरल एजेंट्स क्या होते हैं ये ठीक है अब हम लोग बात कर रहे हैं सम सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं ये देखिए अब हम लोगों ने पूरा वायरस के बारे में पढ़ लिया अब हम बात करेंगे कुछ सब वायरल एजेंट्स के बारे में सब वायरल एजेंट्स के बारे में मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि जनरली डीएनए एंड आरएनए ऑफ द वायरस इस इन्फेक्शन का कॉज करते हैं या वायरस के अंदर जो डीएनए और आरएनए होते हैं यही इन्फेक्शन का कारण है पर एक्चुअली नो 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 ये ट्रू नहीं है देर आर सो मैनी एजेंट्स इन द एन्वायरमेंट जो कि नॉन लिविंग है पर वो वायरस नहीं है फिर भी वो इन्फेक्शन करते हैं सबसे पहला नंबर है वायरोइड फिर दूसरा नंबर है वायरसोइड और तीसरा नंबर प्रियोन ठीक है एक-एक करके -कर देखें अपन सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वायरोइड्स की ठीक है देखिए क्या होते हैं वायरोइड्स वायरोइड्स वायरस पॉइजन इओइड्स डिमिनेटिव ठीक है दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ पार्टिकल डिस्कवर्ड बाई द डीनियर ठीक है डाइनर इसको आप कहते हैं नाइनटीन सेवनटी वन वायराइड्स आर इन्फेक्शियस आर एन ए पार्टिकल विच आर डिड ऑफ प्रोटीन कोट ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से समझना ये जो वायरइड हैं ये किससे बने होते हैं आर एन ए से अभी आप लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा वायरस के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा तो मैंने आपको सिखाया था

इसके ऊपर कोई कोट नहीं है ठीक है इसके ऊपर कोई कोट नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आरने, है। ऐसा आरने है जिसके ऊपर कोई कोट हो नहीं हो भाड़ में जाए ये आरने ही अपने आप को रेप्लीकेट कर लेता है सो so, वायरॉइड्स आर द आरएनए और सेल्फ रेप्लीकेटिंग आरएनए एन विच डू नॉट एनी टाइप ऑफ कवर इन देयर आउटसाइड ठीक है आई बात समझ में आर ऑब्लीगेट पैरासाइट मॉलिकुलर वेट ऑफ दरी लो आर एन टाइटली फोल्डेड इन दर्कुलर लीनियर स्ट्रक्चर ठीक है तो ये भी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं ये भी इंफेक्शन करते हैं दे आर वेरी डेंजरस ठीक है ये या तो लीनियर होंगे या तो सर्कुलर फॉर्म में कॉम्पैक्टली पैक होंगे ठीक है वायरॉइड्स आर नोन टू कॉज द डिजीज इन प्लांट्स ओनली ठीक है वायरॉइड्स एनिमल में इंफेक्शन नहीं करते जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पी एस टी डी एंड क्राइजेंथम स्टंट्रस एग्जोकोटिस वायराइडस डिजीज होती हैं सो वॉट इज द वायरायड समीपल वर थिंकिंग दैट द डी एन एंड आर एन एंड द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू समाइम देयर आर सम थिंग विच इज कॉल्ड एज आर एन ए प्रेजेंट इन टू द एनवायरमेंट इट इज इन्फेक्शियस टू द प्लांट्स and it is called as viroid it is a self replicating rna there is no need of anything like capsid like envelope nothing it is the only rna which is a self replicating rna or have the power of the replication and it will infect the प्लांट लाइकेंथम सनफ्लावर ठीक है इसको दहलिया जिसे आप कहते हैं ठीक है सिट्रस एक्सोकॉटिस इनमें रोग करता है एंड इट इज प्रेजेंट इ लीडियर ऑर द सर्कुलर फॉर्म ठीक है ना वायरोसॉइड वॉट आर द वायरोसॉइड इट इज डिस्कवर्ड बाय द रेंडल ठीक है who discovered the virusoids? Virusoid discovered by the rindel et al et al का मतलब होता बहुत और भी साथी हैं ठीक है these are the rna viruses but inside the capsid of the other large viruses ठीक है okay they replicate within the host and do not cause any infection अच्छा मेरी बात ध्यान समझिए what is the virusoids? ठीक है uh discovered by the rindel these are the rna virus ठीक है but inside the capsid of other large virus ठीक है तो ये viroid होते हैं ये rna virus होते हैं पर ये किसी दूसरे वायरस के जो है तो कैप्सिड के अंदर होते हैं और एक्चुअली इससे कोई इंफेक्शन नहीं होता क्योंकि जो इंफेक्शन होता है वो जिसके अंदर घुसे हुए हैं उसकी वजह से हो रहा है ये बस आ, करते हैं ये होस्ट के अंदर करते हैं जैसे नॉर्मल वायरस रेप्लीकेट करता है जिसके अंदर ये घुसे हुए हैं वो भी रेप्लीकेट करता है ये भी रेप्लीकेट करता है पर इससे कोई डिजीज नहीं होती ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रियॉन्स क्या होते हैं प्रियोन्स ठीक है हम लोगों ने ये समझा कि मैडम आपने हम लोगों को ये बताया था कि भाई आ, जो एच वायरस होता है उस एच वायरस का अपना डीएनए भी इन्फेक्शन वाला होता है अगर वो आरएनए वायरस है तो आरएनए भी इन्फेक्शन वाला होता है कैप्सिड भी इन्फेक्शन वाला है उसके ऊपर जो रिसेप्टर है जो कि मैंने ग्लाइको प्रोटीन वन फोर्टी वन ट्वेंटी बताया तेना वो भी इन्फेक्शन वाले होते हैं सब कुछ इन्फेक्शन वाला होता है ठीक है फिर पर मेनली हम लोगों ने ये आज तक जाना है कि जब भी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो मेनली कौन इन्फेक्शन का कारण होता है डी और आर यही सीखा ना हम लोगों ने हमने कुछ अलग से तीर तो नहीं मार लिया यही सीखा अपन ने पर एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है पर एक्चुअली वो इन्फेक्शियस होती हैं। जैसे कि प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं और उन्हें आप कहते हैं प्रियोन्स क्या कहते हैं प्रियोन्स सो दीज आर द प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल आई बात समझ में सो दीज आर द प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस पार्टिकल हु प्रियॉन प्रियॉन वो डिस्कवर्ड बाय द अल्पर एटॉल अल्पर एटॉल मतलब बहुत सारे साथी थी, ठीक है व्हाट आर द प्रियॉन्स प्रियॉन्स होते क्या हैं प्रियॉन्स आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं तो अगली बार जो कोई भी ये सोचे कि सिर्फ आरएनए और डीएनए ही इन्फेक्शन कर सकता है या जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही इन्फेक्शन हो सकता है तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके प्रोटीन की वजह से भी इंफेक्शन हो सकता है और उन प्रोटीन्स को आप कहते हैं प्रियोन्स क्या कहते हैं प्रियोन्स ठीक है सबसे पहली डिजीज जो प्रियॉन्स की वजह से होती है वो होती है कुरू डिजीज मैं करके इसको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ इसे हम लाफिंग डेथ डिजीज इन द ह्यूमंस कहते हैं क्या कहते हैं लाफिंग डेथ डिजीज ऑफ ह्यूमंस कहते हैं ये न्यूजीनिया में 1950 से 1960 तक चलने वाली बीमारी थी ये जनरली उन लोगों में होती थी जो कैनबलिज्म शो करते थे ये मैडम अब ये नया नया आप क्या क्या वर्ड बोलती रहती हैं हमें समझ में ही नहीं आता है अरे बता रही हूं, रुको ठहरो सुनो ठीक है कैन आर द प्रवृत्ति और द कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म जब वो अपनी खुद की स्पीशीज को खा ले कभी आप लोगों ने सुना आदम खोर लोगों को ये लोग अपनी स्पीशीज को आदमी को ही खा लेते थे तो के लोग जो थे ये 1950 से ले कर, आ, 1950 से लेकर कि, आधा जला हुआ बॉडी खा लिया ठीक है आप जब आधा जला हुआ बॉडी खा लोगे तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन शरीर के अंदर चले जाते हैं ठीक है अब इन्हें इन इन्फेक्शियस प्रोटीन को इन्फेक्शन फैलाने में बहुत समय लगता है सो इनक्यूबेशन टाइम इज वेरी 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 लॉन्ग आई बात समझ में बहुत ज्यादा जो है तो लंबा होता है पर धीरे धीरे करके ये पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला देती है आपको पता है कि सबसे ज्यादा ये किस पार्ट को इन्फेक्ट करती है सबसे ज्यादा ये जिस पार्ट को इन्फेक्ट करती है वो है तुम्हारा दिमाग ये तुम्हारे दिमाग का जो है न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज है ये तुम्हारा दिमाग हिला के रख देती है आई बात समझ में और क्या क्या होता है इसमें इसमें दर्द होता है हाथों में पैरों में ठीक है सो इट इज द न्यूरॉन डीजेनरेटिव डिजीज जिससे आपका न्यूरॉन तो खराब होता ही है जिससे आपका दिमाग तो खराब होता ही है साथ ही साथ हाथ और पैरों में दर्द होता है कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर हो जाता है मतलब आ, जैसे मुझे बोले और क्या हालचाल तो तुम बोले ये क्या बात हुई भाई तुमसे कोई पूछ रहा है बताओ क्या हालचाल है तो तुम यही कर कैसे हो या करके रो रहे हो सो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते आप अपने हाथों के बीच में अपने पैरों के बीच में लोगों से ठीक है डिफिकल्टी इन द वॉकिंग आप चल फिर नहीं पा रहे रहे हैं हैं सही से खाना तो जरूर ले रहे हैं, पर उसे निगल नहीं पा रहे हैं आई बात समझ में उसके बाद आपकी जो मसल है वो कपती रहती है ठीक है तो और आपका मूड चेंज होता है जब हंसने वाली बात है तो रो रहे हैं जब रोने वाली बात है तो हंस रहे हैं आई बात समझ में जब आप किसी चीज को खाने को निगल नहीं पा रहे हैं तो खाने का न्यूट्रिशन शरीर में नहीं आ रहा है और अगर खाने का न्यूट्रिशन शरीर में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है है कि आपको कमजोर होता जा रहा है शरीर तो आप माल न्यूट्रिय होते जा रहे हैं देखो इज नो कोऑर्डिनेशन ऑफ द हाथ एंड द पैर लेग्स एंड द हैंड्स जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है बच्चा और देखो कितना ज्यादा उसका रिपकेश दिखाई दे रहा है तो जब तुम खाना निगल नहीं पाओगे तो उसका न्यूट्रिशन तुम्हें नहीं मिलेगा और अगर न्यूट्रिशन

ठीक है जब भी वो बोलता है तो लड़खड़ाता है सो स्लर्ड स्पीच स्पीच हो जाता है इनके में ठीक है उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड जैसे मेरे को हाथ में दोगे पेन तो मैं पकड़ लूंगी सो इनका एक तो चल फिर नहीं पाते क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है दूसरा ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से हाथ में होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हाथ पैर में दम नहीं हम किसी से कम नहीं तो क्यों खाया था भाई क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था वहां पर ठीक है पर नाइनटीन आते आते तक लोगों को वहां भोजन मिलने लगा और ये डिजीज वहां से एलिमिनेट हो गई बहुत ही रेयर डिजीज होती है ये, ठीक है ना उसके बाद मैं आपको बताती हूं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इन ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ फॉर्म इन सिफेलोपैथी ध्यान से देखिए आप इस गाय को गौर से देखिए गौर से देखिए आपको लग रहा है form, से देखना ना इसको अब इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं देखिए क्या होता है कि जनरली जिन गायों को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है उनको काटा जाता है ठीक है तो इनमें क्या होता है कि जनरली जब काटते हैं तो प्रियोन्स जिसके अंदर भी रहते हैं ठीक है जिसके अंदर भी जिस भी गाय के अंदर प्रियोन रहता है तो काटने के दौरान वो जो प्रियॉन रहता है वो फै वो फैलता है अब उसके बाद वो उसी से स्प्रेड होता है नॉर्मल काऊ को ठीक है जितनी भी गाय है वहाँ के सबको जो है तो स्प्रेड हो जाता है अच्छा ये भी एक न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज़ है ये भी एक न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि गायों में पाई जाती है और इसे हम मैड काउ डिजीज कहते भी हैं इसमें गाय जो है पगला जाती है ठीक है तो यह क्या हुआ कि इंफेक्शियस मीट से फैला है यह भी और यह भी एक न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज है इसे हम बोवाइंस पेंजिफॉम इंसेफेलोपैथी कहते हैं क्योंकि इसमें आपका इंसेफेलॉन जो कि आपका कवरिंग ऑफ द दिस ब्रेन है वो इंफेक्टेड हो जाता है ठीक है इसमें जो गाय है ध्यान से देखो ना इसको क्या खड़ी हो पा रही है ये कितना दिक्कत है इसको वही बात है जो कुरु में था इंसान को वही इसमें है इस गाय को तो इसमें गाय को खड़े होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें मिल्क जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है गाय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है ठीक है क्योंकि न्यूरॉन डीजेनरेशन हो रहा है उसका और लास्ट में दो हफ्ते में गाय की डेथ हो जाती है सो दिस इज द बोवाइन इन सफेलोफैथी विच इज ऑल्सो ए न्यूरोन डीजेनरेटिव डिजीज ठीक है नाउ थर्ड वन इज़ द डिजीज़ डिजीज़ भी जो होती है ये एक्चुअली पीस की वजह से होती है तो जो शीप होती है जनरली वो कचरा जो आपके ग्रीन green खा ग्रीनस खाती है जो भी पेड़ पौधे खाती है तो पेड़ पौधे जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पर गंदगी भी बहुत रहती है उस गंदगी में होते हैं प्रियोन्स तो जैसे वो खाती है तो उस गंदगी से प्रियन्स इसके शरीर में आ जाते हैं और फिर ये बीमारी जो है ये किसको फैल जाती है प्रियन्स आ गए अब प्रियन्स पूरे शरीर में फैलेंगे ठीक है इन्फेक्शन फैलेगा ठीक है ये बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ है आई बात में ये सारी ही बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ है ठीक है तो इसमें क्या होता है ध्यान समझिएगा कि शीप uh, uh, जो होती है वो 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 भी ऐसी पागल टाइप की हो जाती है न्यूरॉन डीजेनरेशन होने लगता है उसका और उसके बाद ना वो किसी भी पेड़ या किसी भी पत्थर से ना रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के अपना गला और माथा इतना रगड़ लेती कि घाव हो जाता घाव भर नहीं पाता और वो भी मर जाती है सो दिस इज द स्क्रेपी डिजीज इन द शीप एंड नेक्स्ट इज द क्रीस फेल्स जेकॉप डिजीज जो कि एक इंसान की डिजीज है ठीक है ये भी एक न्यूरोन डिजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें आ, अगर आप ये इमेज देखें ये भी एक न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज होती है आप इसमें क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली हेल्दी ब्रेन जो है वो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पर अगर आप क्र्यूसफेल जेकॉब डिजीज देखेंगे तो इसमें ब्रेन का साइज आपको छोटा दिखाई देगा दिखाई दे रहा है तो इसमें ब्रेन का साइज आपको कैसा दिखाई देता है छोटा दिखाई देता है ये भी एक न्यूरॉन डीजनरेटिव डिजीज़ है ये भी एक न्यूरॉन डीजनरेटिव डिजीज है जो कि हर साल आ, 5000 हज़ार लोगों को ही सिर्फ होती है आई बात समझ में सिर्फ फाइव थाउजेंड लोगों को इसमें डिमेंशिया हो जाता है डिमेंशिया एक्चुअली इट इज़ अ सिम्टम ऑफ न्यूरॉन डिसऑर्डर्स या न्यूरॉन इम्बैलेंस या क्या कह सकते न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस जिसमें आदमी को यह समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना है इम्बैलेंस मूड स्विंग्स देर आर सो मेनी सिम्टम्स जो कि दिमाग से रिलेटेड है वो डिमेंशिया में आते हैं ठीक है इसमें आपके न्यूरॉन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं ठीक है क्यों क्यों हुआ आपका इन्फेक्टेड मीट खाने से हुआ ये ठीक है आधा पका हुआ मीट खाने से हुआ यह तो अगली बार जब आधा पका हुआ मीट खाएं तो इस दिमाग इसको अपने दिमाग में जरूर रखें कि हो सकता है कहीं ये बीमारी ना हो जाए ये एल्जाइमर जैसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे आदमी चीजों को भूलने लगता है जैसे आ, एल्जाइमर एक आ, काज, काजोल की एक मूवी है काजोल एंड अजय देवगन की उसमें उसको बीमारी हो जाती है धीरे धीरे वो अपना घर ही भूल जाती है ठीक है तो एल्जाइमर जैसी बीमारी होती पर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है ये और ज्यादा प्रोग्रेसिव है और जल्दी जल्दी आदमी भूलने लगता है ठीक है उसके बाद आदमी को डिप्रेशन होता है ऐसा लगता है छत से कूद जाए एनजाइटी मतलब घबराहट होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है कभी वो बहुत खुश कभी वो बहुत दुखी कभी वो बहुत डिस्ट्रक्टिव कभी बहुत कंस्ट्रक्टिव ठीक है धीरे धीरे पूरा मेमोरी लॉस होने लगता है वो सोच ही नहीं पाता कि उसे करना क्या है इम्पेयर्ड थिंकिंग ठीक है उसके बाद जो है इंसोमेनिया रात में नींद नहीं आती है बोलने में डिफिकल्टी होती है मूड स्विंग्स होते हैं निगलने में डिफिकल्टी होती है तो कुल मिला इसमें भी आखिरी में डेथ हो जाती है कुरू डिजीज बोवाइन स्पॉन्जीफॉमसफिलोपैथी रिकॉर्ड डिजीज स्क्रेपी ये सब बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज होते हैं और ये जनरली आपके शरीर में तब आते हैं जब आप कोई इंफेक्टेड चीज या इंफेक्टेड मीट को खाते हैं ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा वायरल पार्टिकल जो वायरस के अलावा इन सब चीजों से भी इंफेक्शन हो सकता है मतलब वायरोइड वायरोसाइड्स और आपके दिस प्रियंस सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको एक नई चीज पढ़ाने वाली हूं तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना मिस मत करना तो अगली बार जब आधा पका हुआ मीट खाएं तो इस बात को जरूर दोहराएं कि कहीं प्रियोन तो ना आ जाए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नई चीज के साथ घर पे रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच